कभी आपने सुना था क्या प्रधानमंत्री आएंगे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में? आए कि नहीं आए? इतनी बड़ी संख्या में यात्राएं हुई या नहीं हुई? मैं स्वयं था गुना में और पन्ना में यात्राओं में, एक बार शिवराज जी के साथ, एक बार अध्यक्ष जी के साथ। आप ये बताइए कि हर विधानसभा में रथ निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हमें गर्व है मध्यप्रदेश के संगठन पर जो बहुत ही मजबूत है, तो यहाँ तो और भी उत्साह मिलता है। कमलनाथ जी के कुर्ते ठीक हैं क्या? दिग्विजय सिंह के कुर्ते ठीक हैं क्या? क्या मतलब कुर्ता फाड़ राजनीति? खुद वो चैलेंज कर रहे हैं, उनके आपस के संबंध ठीक है क्या? मध्य प्रदेश आज अगर बीमारू स्टेट से आगे निकला, मध्य प्रदेश में आज अगर किसानों की स्थिति अच्छी हुई, मध्य प्रदेश आज अगर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, और मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूँ, जानता हूँ मध्य प्रदेश ने कितना विकास किया है, तो ये जो हुआ है ये भाजपा के काम में हुआ है। दिग्विजय बाबू ने क्या किया आप भी जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी क्या करती है आप भी जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के लोग स्थायित्व चाहते हैं, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के प्रति जागरूक भी हैं। इसलिए जागरूक हैं कि शंकराचार्य की मूर्ति, स्वयं जो अपना पूरा महाकाल का कॉरिडोर बना, या बाकी जो ओंकारेश्वर का विकास हो रहा है, बाकी विकास हो रहा है, अच्छा शिप्रा नदी में जो विकास हुआ है सब देखा, तो संस्कार धानी है मध्य प्रदेश। हाँ, राहुल गांधी किस पर सवाल नहीं उठाते हैं? होमवर्क करते हैं क्या? नहीं करते। मैंने संसद में कहा है, लोकसभा में राहुल गांधी कोई चिट पकड़ा देता है उसको बोलते हैं। स्वयं एप्पल ने कहा है कि हमने दुनिया के 150 देश में बताया है कि ये एक बात सामने आई है, आप सावधान रहिए। 150 देश में ये सूचना गई है। राहुल जी आपको गई तो क्यों परेशान है? अगर आप बहुत परेशान है तो FIR कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी यही है कि जब पेगासस का मामला हुआ था ये इतना चिल्लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बनाई थी कहा जिनको लगता है कि उनके फोन में पेगासस है वो अपना फोन जमा कर दें, तो हिम्मत तो नहीं हुई। तब राहुल गांधी जी रोज नई नई बात करते हैं, छोड़ दीजिए, कितना उनको हम गंभीरता से लें और कितना देश ले ये चर्चा बाद में करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है हम इस पर? सोनिया गांधी क्या बोल रही है? आतंकवाद पर देश को एक बोलना चाहिए ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सिमी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्या तीन तलाक की बात हो, क्या शाहबानों की बात हो, क्या बात हो, यहाँ पर हर जगह बस वोट बैंक। तो इस बार मध्य जनता इसका पूरा जवाब देगी। धन्यवाद, धन्यवाद। संगीत के मामले में यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को अवार्ड। अरे भैया तानसेन की नगरी है सांस्कृतिक, यहाँ तो संस्कार, संगीत, आध्यात्म, ये सब तो